हुजूर ने इरशाद फरमाया, आयतुल मुनाफिक की सलासुन, मुनाफिक की अलामतें तीन हैं। जिस शख्स के अंदर ये अलामत हों तो वो इस नीयत से सुने कि आज अभी इसी वक्त मैं ये मुसम्मम अज़्म करता हूँ कि अपने से खुदच दूंगा उन चीज़ों को और अपने मन को, अपने अंदर को, अपने बातन को इन गलासतों से पाक करूँगा। और अमली मौजूआत पे बात करने का मेरा मकसूद भी यही होता है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में और फिर मेरे मिलने वालों की ज़िंदगी के अंदर अमली तौर पर तब्दीली पैदा हो। तो इस नीयत के साथ जब आप सुनेंगे तो अल्लाह बरकत करेगा। तो सुनिए, रसूल रहमत ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कि मुनाफिक की निशानियाँ तीन हैं। उनमें से एक इज़ा हद्दसा कज़बा, जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है। ये मुनाफिक की अलामतों में से एक अलामत है कि उसकी ज़ुबान झूठ की आदी होती है। ज़िंदगी में झूठ से अपने आप को बचाएं, ये जहर कातिल है, अंदर उजाड़ देता है, आपका मुआशरे से एतबार ख़त्म कर देता है और आपकी रुसवाई का सबब है। दूसरा इरशाद फरमाया वाइज़ा वादा अखलाफा, जब वो वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। ये मुनाफिक की अलामत है कि वो वादा पूरा नहीं करता। मेरे हुजूर किसी से वादा करते हैं कि तेरे आने तक यहाँ खड़ा हूँ और वो जाके भूल जाता है। मेरे हुजूर तीन दिन खड़े रहते हैं, तीन दिन के बाद अचानक वहाँ से गुजरा, देखा तो हुजूर खड़े हैं। बड़ी शर्मिंदगी हुई, डरता हुआ आगे बढ़ा, सिर्फ इतना कहा, यार तूने मुशक्कत में डाल दिया। तीन दिन तक मेरे हुजूर खड़े और मैं कहता हूँ वो तो तीन दिन बाद वापस आ गया। वो ना आता तीन साल भी खड़ा रहना होता, मेरे हुजूर खड़े रहते कि मैंने उससे वादा किया। और मैं और आप देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम किसी से वादा करें, हम खुद वादा करते हैं तुम्हें 6 माह के बाद पैसे देंगे, वो बेचारा 6 माह के बाद भी जो है वो 1 माह और ऊपर गुजार लेता है कि चलो कोई बात नहीं, और हम उसकी मौत की दुआ कर रहे थे, या अल्लाह फौत ही हो जाए तो अच्छी बात है। तो फिर हम कहें कि अल्लाह की रहमतें हमें नसीब हों, यार वादा किया है, अपना तन भी बेच के देना पड़े तुम्हें। जो वादा किया है जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ खड़े रहेंगे, चाहे उसकी कितनी भी अज़ियत हमें क्यों ना सहनी पड़े। जब वादा किया है तो फिर उसको पूरा करो। तीसरी बात मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाई वाइज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। उसके पास पैसे रखे जाए, दौलत रखी जाए, कोई जमीन उसके नाम कोई कर दे किसी वजह से, कोई और उसके पास अमानत रख दे तो वो उसमें खयानत ना करे। बल्कि आपके पास कोई बात अमानत रखी जाए तो उसको भी जो है वो लोगों तक नशर, तुम्हारे कान में अगर कोई बात करे तो वो अमानत है। जब वो बात कर रहा हो तो दाएं बाएं देख रहा हो, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो ये चाह रहा है कि ये बात कोई और ना सुने। तो फिर साहब अमानत को चाहिए कि कोई और ना सुने, ये अमानत है और इस अमानत को पूरा किया जाए। और चौथी अलामत ये इरशाद फरमाई मुनाफिक जब किसी से लड़ पड़ता है तो गालियां देता है। हमारे दीन ने हमें गाली देने से रोका है, अपनी ज़ुबान की पाकिजगी और अपनी ज़बान की तहारत का सामान कीजिए। आप किसी भी हालत में हों, आपके ऊपर कोई कितनी भी ज्यादती कर रहा हो, आपको कोई थप्पड़ भी मार रहा हो, तो आप उसका मुकाबला ज़रूर करें लेकिन आपकी ज़ुबान गंदी नहीं होनी चाहिए। ये गुस्से के वक्त ही तो इंसान का पता चलता है। ज़फ़र उसे आदमी ना जानिए, चाहे जितना भी हो साहिब फहमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। ऐश की जिंदगी हो या तैश की जिंदगी, खुशी का मरहला हो या मरहला गम हो, आप देखो नॉर्मल जिंदगी के अंदर तो आप मोतदिल होंगे ही होंगे, लेकिन जब आपका बैलेंस खराब होता है खुशियों के वफूर की वजह से, उस वक्त पता चलेगा। यह है इंसान का इम्तिहान, यह है इंसान की आजमाइश। मुनाफिक की अलामत बताई गई वाइजा खासमा फजरा, जब वो किसी से लड़ाई करता है तो फिर गालियां बकना शुरू कर देता है। ये मुनाफिकों की अलामत में से एक अलामत है, जब वो लड़ता है तो गालियां बकता, झूठ बोलता है, अमानत में खयानत करता है और अहद करे तो उसकी पासबानी नहीं करता।